हेलो फ्रेंड्स, कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू कैम लर्न पी। आज हम सीखने वाले हैं कोपरी एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि इसका ही दूसरा नाम है ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि उसमें इंटरमीडिएट में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए उसे ईआई एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव होकर रिएक्शन हो रही है, इसलिए कोप रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब कोप रिएक्शन क्या है? तो कोप रिएक्शन एक साइंटिस्ट था, आर्थर क्ले कोप, इसने फाउंड किया है। इसके लिए उसे नोबेल प्राइज भी दिया गया है। उसका बर्न बर्न 1909 में हुआ था यूएसए में। उस साइंटिस्ट ने कोप एलिमिनेशन रिएक्शन फाउंड की थी। कोप एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली जो टार्टरी एमाइन होता है, ऑक्साइड ऑफ टार्टरी एमाइन, उसका पायरोलिसिस करने करने पर हमें एल्कीन मिलता है। तो एक वन टाइप ऑफ एल्कीन फाइंड आउट करने के लिए, एल्कीन प्रोड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टार्टरी एमाइन ऑक्साइड है, ये जो है टार्टरी एमाइन है, टार्टरी एमाइन ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड है, इसलिए उसे ऑक्साइड ऑफ टार्टरी एमाइन भी कहते हैं। अब इसका हमें पायरोलिसिस करना है। पायरोलिसिस मीन्स के उसे हमें गर्म करना है, ड्राईली गर्म करना है। अब गर्म करना है यानी कि उसका टेम्परेचर 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या उससे ज़्यादा। पायरोलिसिस यानी कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसे उसके बॉन्ड ब्रेक करना है गर्म करके, तो उसे ही हम पायरोलिसिस कहते हैं। अगर पायरोलिसिस होता है तो हमें एक्चुअली में मिलता है ऐसे एल्कीन मिलता है, और उसके साथ में ऐसे टार्टरी अल्कोहल हमें बाय प्रोडक्ट ऐसे मिलता है। थोड़ी सी मैकेनिज्म के हिसाब से देख लेते हैं। मैकेनिज्म के ऊपर से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि इसकी ही बात करता हूँ कि अगर यहाँ से सबसे पहले तो इसके बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आ जाते हैं ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज ओके। तो यहाँ से अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ नाइट्रोजन की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऐसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, तो ऐसे हुआ। अब क्या होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बनाएगी, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाने के बाद फिर से ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ओके। अब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से होके यहाँ तक, इसीलिए ये रिएक्शन ऐसे हुई। अब यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ पे अभी मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई जुड़ सकता है, मे बी पॉसिबल। अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा। अब यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब
हाइड्रोजन से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, ग्रुप है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसे एक फॉर्म होगा। और दूसरा यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएगा, यानी कि हमारे पास ऐसे एक फॉर्मेशन तैयार होगा। ओके तो ऐसे ही अल्केन जनरेट होते हैं। अब इसके इसमें भी बहुत सारी एरोमेटिक रिएक्शन भी होती है, साइक्लिक में भी रिएक्शन कोप रिएक्शन होती है, या हीट्रोसाइक्लिक में भी होती है, हर एक में कोप रिएक्शन प्रेजेंट होती है। जैसे कि एलिफेटिक जो हमारे पास कंपाउंड होगा, एलिफेटिक कंपाउंड, इसमें कैसे प्रेजेंट होगा? फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ, CH2, यहाँ पे H H H H, एंड CH3 और नाइट्रोजन, सॉरी CH2। ओके ऐसे है। अब क्या होगा, क्योंकि तो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, यानी कि मैंने आपको कहा कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, यानी कि बीटा कार्बन के ऊपर से होगा, यानी कि ये अल्फा बीटा, इस कार्बन के ऊपर से कोई भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो कैसे होगा, तो इसका अगर मैं पायरोलिसिस करता हूँ, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा जैसे हमने आगे देखा है वैसे, और ये दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला। ओके यहाँ से बॉन्ड बना चुका है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे में ऐसे बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट होगी ना वो ये हो सकती है CH2। ऐसे ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो सकती है, और इंटरमीडिएट जो बाय प्रोडक्ट है वो ये वाली। ओके तो ऐसे ही एलिफेटिक रिएक्शन में भी प्रेजेंट होती है, ऐसे ही एरोमेटिक रिएक्शन में भी कोप रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि C6H5, CH3, N, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, CH3। अब इसकी अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, पायरोलिसिस करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, तो ये आपका अल्फा कार्बन और उसके बाजू वाला बीटा कार्बन, यानी कि इस वाला। ओके यानी बीच में से कार्बन यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला जाएगा, यही से यही जाएगा, दूसरा तो है ही नहीं, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। और बनेगा क्या, तो जो सबसे पहले तो ये कार्बन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे हो गए। अब इस कार्बन के पास एक तो C6H5 है, C6H5 लिख लिया, दूसरा CH3 है, ये भी लिख लिया, ये कार्बन के पास एक CH3 है, दूसरा ये वाला है नाइट्रोजन वाला, और एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लिख लिया। ओके यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है ऑलरेडी, ये वाला सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐसे प्रेजेंट है जो यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन वाला प्रेजेंट है और ऑक्सीजन। ओके तो यहाँ से बॉन्ड एक तो ब्रेक होगा,
और यहाँ से एक ट्रैक होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे और ये जो हाइड्रोजन होगा वो जाएगा यहाँ पे। ओके, यानी कि यहाँ से ये पूरा रिमूव हो जाएगा और ऐसे बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ऐसे ही असाइक्लिक में भी कोप रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। जैसे कि असाइक्लिक कंपाउंड हो गए हमारे पास, फॉर एग्जांपल ओके, ऐसे एक मेरे पास मॉलिक्यूल है, इस जो कंपाउंड है उसका नाम है 2-फिनाइल साइक्लो हेक्साडाइल मिथाइल एमाइड। 2-फिनाइल साइक्लो हेक्साइल डाई मिथाइल एमाइड, ये नाम है इसका। ओके, तो अब इसमें भी फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सीस और ट्रांस की बात करें, सीस और ट्रांस कैसे, अगर ये हाइड्रोजन की बात करें, ये दोनों एक दूसरे में ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो ऑलरेडी ट्रांस है। ठीक है, अब अगर यही हाइड्रोजन इस तरफ होता या ये हाइड्रोजन इस तरफ होता तो सीस हो जाता, तो उसमें रिएक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सीस कंपाउंड लेता हूँ, इसका सीस मॉलिक्यूल लेता हूँ मैं, तो सीस मॉलिक्यूल में अगर मुझे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो जनरली हम कह सकते हैं कि 15% हमें सीस प्रोडक्ट हमें देखने को मिलती है। बट अगर मैं ट्रांस मॉलिक्यूल लेता हूँ तो उसमें मुझे 85 से 87% मुझे बाय प्रोडक्ट देखने को मिलती है, जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो। यानी कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड होता है वो ट्रांस आइसोमर का होता है। यानी कि अगर मैं इसका मैं ट्रांस आइसोमर लेता हूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे प्रोडक्ट देखने को मिलती है जो स्टेबल होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रांस आइसोमर लिया है इसका। ट्रांस आइसोमर का अगर मैं पायरोलिसिस करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन हम बांटते हैं वैसे ही, अगर हम बांटते हैं तभी भी हमारी मैकेनिज्म वैसे ही होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखा दिया आपको कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ। ओके, अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे कार्बन है और दूसरा यहाँ पे है, या मे बी पॉसिबल कि यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ का लिया है मैंने, इस तरफ का लिया है, तो इस तरफ अगर मैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा हूँ तो ये कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा सीधा यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन और ये बीच में बॉन्ड बनेगा, यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कैसी होगी, ऐसे, और ऊपर C6H5 होगा। बट अगर यहाँ से हम बीटा कार्बन है इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, बट इसको बीटा कार्बन अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, तो हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो कैसे होगी, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा ही होगा ऐसे, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पे रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यानी कि ऐसे हमारी प्रोडक्ट मिलेगी। दो ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लेते हैं तो ये वाला जो होगा तो ये भी ट्रांस होगा, और यहाँ से होगा वो भी ट्रांस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन देख लो, ये वाला इस तरफ है, ये वाला इस तरफ है, तो ये ट्रांस हुआ, ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है, यानी कि ये भी ट्रांस हुआ, यानी कि दोनों साइड ट्रांस आइसोमर ही यूज़ हो रहा है। अगर दोनों साइड ट्रांस आइसोमर यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स हमें जो प्रोडक्ट मिल रही है वो भी हमें सेम क्वांटिटी में ही मिलेगी, जो यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैंने लिख लिया है, यहाँ पे
ऐसे बॉन्ड आएगा। ओके, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे आएगा। C6H5SO। ओके, तो ऐसे ही कोप रिएक्शन एरोमेटिक असाइक्लिक हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें भी होता है उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेम रिएक्शन में कोप रीअरेंजमेंट देखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने कैमलन की जो चैनल है अगर उसमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ बिग थम्स अप दे दो और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।